बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह की हिफ्ज़ अमान में होंगे, हर बीमारी से महफूज होंगे, और आप सब की दुआओं से मेरे बच्चे और हम सब हमारे घर वाले भी अपने अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में और अब हर बीमारी से महफूज हैं, आमीन। तो मैंने ये 3 कप लिए हैं मैदे के और मैंने उसको छान लिया है, आधा किलो से ज़्यादा, 1 किलो से कम है 3 कप ये। तो मैं बना के आ रही हूँ, ये मैं बता देती हूँ अब आपको। आपने पेटिस तो बहुत खाए होंगे, आलू के पेटिस, कीमे के पेटिस, चिकन के पेटिस, लेकिन मैं जो बना रही हूँ एक मुनफरद अंदाज के बना रही हूँ पेटिस, तो वो आप देखते जाएं किस तरह बना रही हूँ। बस ये बता दिया मैंने कि पेटिस बना रही हूँ मैं, तो इसमें मैंने 1/2 टीस्पून नमक का डाल रही हूँ इतने में, और 2 टेबल स्पून इसमें मैं चीनी का डाल रही हूँ ताकि पेटिस की जो डो है वो ज़रा टेस्टफुल बन जाए। तो 2 टेबल स्पून मैंने टीस्पून मैंने इसके शुगर पाउडर के डाल दिए हैं बस। ये मैंने कोल्ड वाटर लिया हुआ है और हाथ मैंने अच्छी तरह से वॉश किए हैं। मैं इसकी सख्त डो बना लेती हूँ, और ये मैंने डो अपने यूट्यूब पे अपलोड भी की भी अपने चैनल के ऊपर, तो वहाँ पे जाके आप देख भी सकते हैं। तो मैंने सोचा कि अब पेटिस बना रही हूँ तो मैं स्टार्टिंग से ही मैं सब कुछ आपको बता दूँ। देखिए कितनी सख्त डो बनाई है मैंने, इस कंडीशन में लाने के बाद अब इसके अंदर हम बटर लगाएंगे। बहुत सख्त है ये, अब तकरीबन इसके अंदर मैं ये लूँगी 2 टेबल स्पून के बराबर। ये मेरे पास टी स्पून है लेकिन मैंने भर के लिया है तो 1 टेबल स्पून ही है मेरा, ये ऐसे 2 टेबल स्पून हो गए ये। अब इसको मैं इसके अंदर मिक्स कर लूँगी आटे के अंदर। अब मैं इसको मिक्स करके दिखाती हूँ सारा, मैं इसलिए ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं कर रही आपको सारे स्टेप, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हुए हैं। ये देखें, अच्छा ये मैंने ये घी से मैंने यूनिट पफ बनाया था, ये 2 यूनिट पफ बनाए थे मैंने, ये रहा फिर दोबारा बनाऊँगी तो रख लूँगी। तो मैंने वो घी को ठंडे पानी में डालकर और फिर 6 घंटे रखने के बाद फिर उसको मैंने ऐसे निकाल के, और ये यूनिट पफ बन गया था, क्योंकि यहाँ पर ये था ना UAE में यूनिपफ मिलना बहुत मुश्किल है, नहीं मिलता, और हमें पता नहीं है, पता नहीं मिलता होगा हमें नहीं पता। लेकिन अब ये इसके अंदर फोल्ड करूँगी मैं, तो ये आप देखें कैसे करती हूँ। हाँ, हाथ से सॉफ्ट कर लिया मैंने इसको, और इसको इसके अंदर लेयर बना देंगे इसकी, ये ऐसे ऐसे, और इसको ऐसे लेके जाएंगे ऐसे, और ये नीचे से एक हो गई ना, तो इसलिए हम इसको वापस नीचे ऐसे लेके आ जाएंगे ताकि ये सब तरफ से इक्वल आ जाइए। देखिए ये मैंने क्यों करा ये, वरना आप लोगों को जो मतलब लोग बताते कैसे बताते हैं, ये ऐसे करा और इसको वापस इसके ऊपर लिया है तो वो नीचे से फट जाएगा, नीचे से एक ही लेयर है और ऊपर 4 तेर आ गई हैं, तो इसलिए मैंने इसको वापस नीचे लेके गई हूँ। हर चीज़ की एक ट्रिक होती है ना, ये देखें अब इसको आहिस्ता आहिस्ता ये, अब फिर मैं इसको बेल के और फोल्ड करूँगी और 2 फोल्ड करूँगी, और इसके बाद मैं पेटिस बना के दिखाती हूँ आपको। बस मैं कोई फ्रिज में नहीं रख रही, कहीं नहीं रख रही, कहीं रेस्टोरेंट दे रही, कुछ नहीं कर रही। देखिए सेकंड दफ़ा कर रही हूँ, अब मैं दूसरी दफ़ा लेयर कर रही हूँ उसकी। तो पहले हमने ऐसे करी थी, क्योंकि ये देखें ये वाली लेयर नज़र आ रही है, ये ऐसे करी थी, अब हम इसको ऐसे करेंगे, ये इस तरह ऐसे, ये सेकंड लेयर है। मैंने कुछ इसको फ्रिज में नहीं रखा, कहीं नहीं रखा, और बस सेकंड के बाद एक थर्ड करूँगी और उसके बाद पेस्ट्री बना लूँगी, पेटीज बनाऊँगी। अब मैं इसको इसी कंडीशन में ना इसको इधर ही छोड़ दूँगी काउंटर के ऊपर छोड़ के, और इसकी फिलिंग तैयार करूँगी, बाद में इसकी कटिंग करूँगी, क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं दिया है, ना फ्रिज में दिया है ना बाहर दिया है, इसलिए इसको थोड़ी सी देर अभी मैं छोड़ूँगी इसको 5 से 7 मिनट, इतनी देर में मैं इसकी फिलिंग तैयार करके लाती हूँ, फिर कटिंग करके दिखाती हूँ मैं आपको। इसको मैंने 2 दफ़ा फोल्ड कराया मैंने, और फ्रिज में नहीं रखा, कहीं रेस्ट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, बस 5 मिनट में मैंने ये चिकन को शेरड कर लिया जो मैंने बॉयल कर लिया था। इसके अंदर मैंने ये हरा धनिया डाल दिया, ये 2 टेबल स्पून के बराबर होगा इसमें हरा धनिया, और चीज़ उठा के दो मुझे, अच्छा इसके अंदर काली मिर्चों का 1 टीस्पून डाला है मैंने भर के, ये मोटी मोटी कुटी हुई हैं, ये काला नहीं डाल रही क्योंकि मेरा बच्चा भी खाता है ना, मासूम बच्चा,
अच्छा, और आधा टीस्पून मैंने गार्लिक पाउडर का डाला है, तो वो तो पता है आप लोगों को, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है और ये फ़ायदे का भी बहुत होता है गार्लिक। चले आधा टीस्पून, और ये फेटा चीज़ इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ मैं, एक प्याली पूरी भर के दिल खोल के। तो इसके आप बनाएं, पेटिस बनाएं, बहुत ज़्यादा आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह के पेटिस हैं। रमज़ान के लिए पहले से बना के रख लें। और ये शीट बाज़ार से भी मिलती है ये, तो मैं तो खैर अवॉइड करती हूँ हर चीज़ बाज़ार के, खुद ही करती हूँ सारे। तो ये मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। इसकी पूरी डिटेल रेसिपी इसकी डो की है, तो आपको सर्च कर लें, मेरे चैनल को सर्च करके नीचे जाते रहें जाते रहें, देखते रहें, उसके अंदर आपको ये मेरी मिल जाएगी ये रेसिपी। चलें, ये तो हो गया, ज़बरदस्त बन गया ये। ओवन प्रीहीट करने के लिए रख दिया है मैंने। ये बराबर इसलिए कर रहे हैं कि इसकी लेयर जो है ना खुल जाएगी। ये सिर्फ मैंने अंडे की जर्दी ली हुई है, एग योक, तो इसको मैं पहले इसके ऊपर ऐसे लगा लूँगी ताकि ये चिपकने में आसानी कर दे हमारे लिए। बस, और अब हम इसको चीज़ और चिकन, अच्छा ये चैटर चीज़ है ये मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ ये। अब इसको मैं, इसके लेयर्स देखें कितनी है लेयर्स, ये चैटर चीज़ को ऐसे ये फोल्ड कर दिया ये ऐसे। इसको ग्रीस कर दिया मैंने ऑयल से, ऑयल से करते हैं, मक्खन से करते हैं, घी से करते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो सब उससे कर सकती हैं आप लोग। बस, और इसके अंदर मैंने ये जो पेटीज बनाए हैं इसको मैंने रख दिया था। ये रेसिपी रमज़ान के लिए बहुत अच्छी है, ये आराम से बैठ के बना लें पहले से, और चूल्हे के आगे खड़े होने की ज़रूरत ही नहीं है, ओवन में बेक करने रख दें, और ये रेसिपी रोज़े के वक़्त तक तैयार है। मज़े मज़े से खाएंगे, सब दुआएं दे देंगे। चलो ये बन चुके हैं, अब इसके ऊपर ये एग लगा देती हूँ मैं ये, और फिर मैं इसको ओवन में रख के आती हूँ। ओवन में थोड़ा सा इसको रेस्ट दे लूँ मैंने, क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं दिया है इसको, तो उसको 5 मिनट अंडे लगाने के बाद, ये अंडे की जर्दी लगाने के बाद इसको मैं 5 मिनट रेस्ट दूंगी, जितनी देर में मैं अपना ये काउंटर वगैरह साफ़ कर लूँ, बस इसके बाद मैं इसको ओवन में रख दूंगी। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा ये ऑरिगेनो डाल रही हूँ, बस 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 बस, मिडिल फ्लेम में रखूँगी इसको, और 200 पे है ये, हाँ, जो कि हमें तेज़ करना है इसको। बस, तो ये हमारे चिकन चीज़ पेटिस बन चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त बने हैं, और मैं इसको बंद कर रही हूँ, ऐसे निकाल लेती हूँ। अरे बन चुके हैं, बहुत टेस्टी लग रहे हैं, अभी टेस्ट नहीं कराया हमने, तो मैं आपको लेयर्स दिखा रही हूँ इसकी, देखें लेयर्स देखेंगे ये कितनी अच्छी लेयर्स आएंगे, ये सब में ऐसी आएंगी माशाल्लाह।
लेयर्स देखें और क्रिस्पी सॉफ्टनेस ये देख लें, सब में देख लें, हाँ ये सॉफ्टनेस क्रिस्पी बहुत है। तो आप लोग बनाएं इस तरह रमज़ान की रेसिपी। एक और दे दी है मैंने आपको, आप लोग खाएं एंजॉय करें। ये डो ज़रूरी नहीं है कि आप घर पे ही बनाएं, डो की ये बाज़ार से रेडीमेड पट्टियाँ भी मिलती हैं इसकी। बने बनाए पेटिस मत लेकर आएँ, शीट लेकर आएँ और बना लें। इंजॉय करें, दुआओं में याद रखें और अपना ख्याल रखें। सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अल्लाह हाफिज़।